हरियाणा में चुनावी हलचल तेज है और सोहाना से छत्तीस बिरादरी ने रोहताश खटाना को अपना प्रत्याशी चुना है। रोहताश खटाना लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इक्कीस अक्टूबर अब दूर नहीं है। 21 अक्टूबर को हरियाणा वासी अपने अपने मत का इस्तेमाल कर अपना विधायक चुनेंगे और सीएम चुनेंगे। एमएलए बनने की इस दौड़ में सोना से जेजेपी प्रत्याशी रोहताश खटाना को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और इसी कड़ी में वो गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आज रोहताश तावड़ू के गांव दादू पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारा अपमान किया। हमें कम से कम 70 साल हो चुकी है, आज तक हमारे क्षेत्र के किसी भी 36 बिरादरी में से किसी को भी आज तक भी टिकट नहीं दे पाए ये लोग। हमें इनको दोनों पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को भी बीजेपी पार्टी को, दोनों को यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि इन्होंने बाहर बाहर से कैंडिडेट लाके हमारे यहाँ पर थोप देते हैं। क्या हमारे यहाँ 36 बिरादरी में क्या नेता नहीं है? क्या हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो हमारे यहाँ पे 36 बिरादरी में टिकट दे सके उसको? आपको बता दें कि तावड़ू का वोट बैंक रोहताश खटाना के लिए बेहद अहम है, जिसके लिए वो मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि इस बार वो रोहताश को ही जिताएंगे। 36 बिरादरी में क्षेत्र जो हमारा लगता है, इसमें किसी को भी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट नहीं दी, जबकि पहले लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है कि हमारे क्षेत्र के आदमी को टिकट दी जाए, लेकिन किसी ने टिकट नहीं दी। अब सारे सरपंच एसोसिएशन ने भी और 36 बिरादरी की जो पंचायत है उसने सारा ये फैसला लिया है कि अब के बार हमें सबक सिखाना है और क्षेत्र के कैंडिडेट को जिताना है। इस हुंकार को देखकर साफ पता चलता है कि कैसे ये 36 बिरादरी राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज है और उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। सोहना से खबरें अभी तक के लिए सूरज दुहन की रिपोर्ट।